सच्चा मार्ग दिखा यमुनी यम का सच्चा मार्ग दिखा तन मन को स्वच्छ बनाया है तन मन को स्वच्छ बनाया है तप त्याग तपस्या संयम का तप त्याग तपस्या संयम का नव जीवन पाठ पढ़ाया है नव जीवन पाठ पढ़ाया है हे योग पुरुष हे योग ऋषि हे योग पुरुष हे योग ऋषि तुमने जीवों को जगाया बसे उस ईश्वर को कण कण में बसे उस ईश्वर को मन मंदिर में दर्शाया है मन मंदिर में दर्शाया है तप त्याग तपस्या संयम का तप त्याग तपस्या संयम का नव जीवन पाठ पढ़ाया है हे योग पुरुष हे योग ऋषि जो आलस में डूबे रहते जो आलस में डूबे रहते उनको सदज्ञान कहाँ होगा उनको सदज्ञान कहाँ होगा पुरुषार्थ की महिमा बतला कर पुरुषार्थ की महिमा बतला कर तुमने अमृत बरसाया पुरुषार्थ की महिमा बदला कर तुमने अमृत बरसाया है हे योग पुरुष हे योग ऋषि हे योग पुरुष हे योग ऋषि तुमने तप त्याग तपस्या
दस बार से लेकर के ऐसे 100 बार तक करना है जो मजबूत है उनको। 10 बार से लेके कितनी बार करना है भाई बहनों, जोर से तो बोलो। ये तो मैं थोड़ा सिंबोलिक कराता हूँ, थोड़ा योगिक जॉगिंग। मैं तो दौड़ के आया हूँ ना, पहले धीरे धीरे दौड़ता हूँ और फिर बच्चों वाली स्पीड से दौड़ दो बहुत तेज। तो फिर ये पूरा पसीना, मैंने नियम ले रखा है 100 साल तक पसीना बहाऊंगा सुबह उठ के। कितने साल तक? 100 साल तक ऐसे ऐसे। और दंड बैठक भी लगाऊंगा। लोग कहते हैं गोटू ने धोखा दे दिया, कमर ने धोखा दे दिया, दिल दिमाग ने धोखा दे दिया, परिवार ने धोखा दे दिया, समाज ने धोखा दे दिया, दूसरों पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते रहते। तुम खुद धोखेबाज हो, खुद दगेबाज हो, अपने साथ तुम दगा करते हो। 100 बार ऐसे खींच करके लगाओ दंड बैठक ऐसे ऐसे। 10 बार से शुरू तो कर लो, कुछ तो बड़े मजबूत है। चलो आ जाओ अब मैदाने जंग में। अब 100 बार करना है। कितनी बार? ए बैठो नीचे, जवान जवान ऐसे। मकरासन और भुजंगासन करो जो कमजोर प्राणी है वे। ये भुजंगासन 10 बार कर लेना, और जो इससे भी कमजोर है वो मकरासन कर लेना ऐसे। ये मकरासन, मकारी आसन मत करना। ये मकरासन, ये भुजंगासन, और इसी में ही थोड़ा पैर पीछे से उठा लिए और थोड़ा फास्ट किया ऐसे। एक तो ये है, ये किया ऐसे। इसमें थोड़ा जोर पड़ता है, ये ना हो पाए तो फिर ये कर लेना। नमः रमेश्वर, और ये भी ना हो पाए तो ऐसे आ रहा हमारा लंबे लंबे ऐसे। कुछ बनी बात, फिर ये मिश्र दंड ऐसे। मेरे स्वामी जी, शुरू में आते ही आप तो जो है ना लंबे श्वास कुछ ज्यादा ही हाई स्पीड में ले लेते हो। होले होले कर लो ऐसे। ये तो सरल वाला है, कठिन वाला तो ये है। फिर आगे वापस वही के वही, और ऐसे Yeah.
पहले मिट्टी में करना, कभी हार्ड सरफेस पे करो और हाथ पैर से तुड़ा फुड़ा बैठा। थोड़ा हार्ड टास्क दे दिया आते ही। और जब प्राणों का ध्यान करे अपने भीतर, तब भोर में उठते ही ये देह दिवालय है, शिवालय है। तत्त्वमसि प्रज्ञानम् ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोऽहम् शिवोऽहम् अहम् ब्रह्मास्मि। मैं भगवान का अंश हूं। क्या बोला? भगवान का, ऋषियों का वंश हूं। भगवान का अंश, ऋषियों का माता भूमि ही पुत्रो हम पृथ्वी। मैं धरती माता की वीर संतान हूं, तेजस्वी संतान हूं। मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, धर्म का, सत्य का, न्याय का प्रतिनिधि हूं। मैं अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि हूं, उनका उत्तराधिकारी हूं। और जो शक्ति मेरे पूर्वजों में थी, जो सामर्थ्य, जो विद्या विभूति ऐश्वर्य, जो दिव्यता, जो देवत्व ऋषित्व मेरे पूर्वजों में था, वही मुझ में, वही मुझ में, वही में, वही लंबे श्वास। इस भाव चेतना से कभी नीचे मत आना। जैसे कोई राजवंश में पैदा होता है तो उसको बालकपन में बताया जाता, बेटा तू राजा की संतान है, तुझे बड़े होकर के ये इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है। मैंने बचपन से इसी संकल्प को जिया है, मैं भगवान की संतान हूं और ये सारा संसार मेरे भगवान का ही साम्राज्य है और इसको मुझे संभालना है योगी बन करके। इस संकल्प के साथ मैं जीता हूं। इसलिए किसी राजा रानी को, किसी महाराजा को, किसी एमएलए एमपी सीएम पीएम को और किसी भी दुनिया की बहुत बड़ी मायावी ताकत को कुछ गांठता नहीं, अपमान किसी का नहीं करता हूं। लेकिन मैं अपने आप को दीनहीन, दुखी, दरिद्र नहीं मानता। मैं मानता हूं यदि दुनिया के किसी भी व्यक्ति में कोई कितनी ही बड़ी शक्ति है तो मैं भी भगवान का बेटा हूं, मुझ में भी अपार शक्ति है। इस भाव के साथ जीता। देखो ना, किसी भी चीज के होने का एक गौरव होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होने का एक गौरव होता है, माना वजीर होने का, अमीर होने का एक गौरव होता है। लेकिन मुझे सर्वाधिक गौरव इसलिए, मैं भगवान का बेटा हूं। और बाप की सारी संपत्ति किसकी होती है? बेटे की। तो कुछ लोग कहते हैं, बाबा तो इतना राज्य कैसे रहता? मैंने कहा मैं ऐसे बाप का बेटा हूं जो सारी दुनिया का मालिक है और उसकी सारी दैवी शक्ति मेरी है। इंद्र कृतम न आभरा पिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूत यामिनी जीवा ज्योति अश्रीमयी। ये वेद का मंत्र भी है, ये प्रमाण, शास्त्र प्रमाण भी, और ये मेरी अनुभूति है। भस्त्रिका करना है ऐसे लंबे श्वासों के साथ। भस्त्रिका करते इसमें शुभ का आधान, दिव्यता का, देवत्व का आधान, और ऐसे कोई भी सोच सकता है, सबको ये प्राप्त है। सवे भूमि गोपाल की, ईशावास्मिदं सर्वं, सब कुछ भगवान का ही है। वासुदेव सर्वम, सब कुछ भगवान का ही है और सब कुछ भगवान ही है, भगवान के अलावा यहां कुछ है ही नहीं। वासुदेवा सर्वम, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जो कृपाणी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, योग ते प्रकट होई मैं जाना। जिनसे कुछ ना हो पाए ज्यादा तो भस्त्रिका कपाल भाति करो, विराम नहीं, विश्राम नहीं, अकर्मण्य होकर के नहीं जीना। चलो अभी आगे तो मुझे अभ्यास बताने, पहले थोड़ा सा ये सबको लाइन पे लगाना पड़ता है ना, मुझे सुबह उठते ही, बड़ों को, बुजुर्गों को, बीमारों को, रोगियों को, निरोगियों को, छोटी उम्र वालों को, बड़ी उम्र वालों को, बच्चों को लगा देता हूँ शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन करो, सूर्य नमस्कार करो, सौ सौ बार दंड बैठक लाओ, वज्र जैसा शरीर बनाओ ऐसे, बाकी शेष भस्त्रिका कपाल भाति अनुलोम विलोम करते रहो। कल मैं ऐसे ही बैठा बैठा, मैं कुछ कुछ ऐसे ये ना कुछ नोट्स बनाता रहता हूँ, ऐसे ही लीक लकोड़ी ये नहीं खींचता हूँ। इसमें बड़े बड़े संसार के जो बड़े बड़े सत्य है ना, उसकी इसको मैं सोचता रहता हूँ कई तरह से। मैंने सोचा ये सारी दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया को चलाने वाले बड़े तत्व क्या है जिससे दुनिया चल रही है,
दुनिया को चलाने वाले बड़े तत्व क्या हैं? तो कुछ कहेंगे पूरी दुनिया राजसत्ता से चलती, पॉलिटिकल सिस्टम लीड करता है पूरे वर्ल्ड को। दूसरे कहेंगे नहीं, राजसत्ता नहीं, धर्म सत्ता लीड कर रही है। तीसरे आएंगे बोले नहीं, सब कॉरपोरेट वर्ल्ड लीड कर रहा है, धन सत्ता लीड कर रही है। अच्छा, लोग मजहब के लिए जीते हैं या मुनाफे के लिए, बोलो जरा। मजहब और मुनाफा दोनों सामने हो तो आदमी मुनाफे को चुनता है या मजहब को? मुनाफे को चुनता है, सीधी सी बात है। जिसमें फायदा हो, धर्म में भी फायदा देखता है आदमी कि मुझे कौन से मजहब को चुनना, उसमें भी फायदा देखता है, मेरा लोक परलोक किससे सुधरेगा। और फिर आदमी कई तरह के फायदे देखता है, शारीरिक फायदा क्या, मानसिक फायदा क्या है, आध्यात्मिक फायदा क्या। फायदे की तो, मुनाफे की तो बहुत बड़ी परिभाषा है ना। आदमी हमेशा मुनाफे को चुनता है, मजहब को नहीं चुनता। तो कोई कहेगा राजबल, कोई कहेगा धर्म बल, धर्म सत्ता, राज सत्ता, कोई कहेगा धन सत्ता, कोई कहेगा पूरी दुनिया तो साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन से इससे चल रही है, बौद्धिक सत्ता से ये सबसे ऊपर है। कुछ कहेंगे पूरी दुनिया में ग्लैमर तो सेलिब्रिटीज का है, ये ग्लैमर की दुनिया अलग है, ये तो पूरी दुनिया तो ग्लैमर के पीछे पागल है। वो भी एक इंडस्ट्री है, वो इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाती है। लेकिन ग्लैमर वाली दुनिया है ना, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। कुछ कहते हैं पूरी दुनिया में जो शक्तिशाली हैं वो विजेता बनते हैं। कुछ कहते हैं प्रतिस्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है। कुछ कहते हैं कुलवंश से चल रही है दुनिया तो। सऊदी अरबिया के सलमान से लेकर के और ये जितनी भी अरब कंट्रीज हैं ना, अभी भी राजवंश ही चल रहा है। अलग अलग जगह के राजवंशों के उखड़ने का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, 50 से 100 साल पहले तक दुनिया में वंशों का राज था, वंशों का राजवंश, ये वंश फलाना वंश। अभी भी घराने हैं, संगीत के घराने, राजनीतिक घराने, धार्मिक घराने, ये सातवीं पीढ़ी है, ये ग्यारहवीं पीढ़ी है। अच्छा, मैंने ग्यारहवीं पीढ़ी से ज्यादा, इक्कीसवीं पीढ़ी से ज्यादा किसी को सुना नहीं, तो दुनिया तो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। इसलिए मैं कहता हूँ हम सब ब्रह्मवंशी हैं। जब कहीं पूजा पाठ करते ना, तो कई बार हम भी सारी दुनिया घूमते रहते, सारे देश में घूमते रहते, बोला अपना कुल गोत्र का उच्चारण करो, तो हम सब जगह ब्रह्म लगाते, ब्रह्म गोत्र, ब्रह्म कुलोत्पन्नो। तो बोले ये कौन सा कुल है स्वामी जी, हमने तो सुना ही नहीं अभी तक। मैंने कहा जो नहीं सुना वही तो सुनाता, जो सबका कुल है वही मेरा कुल है, सब ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं ब्रह्म कुलोत्पन्न और ब्रह्म गोत्र वाला हूं। बाकी तो तुमने नए से घड़ दिए हैं, ठीक है वो भी जिसको जो है, लेकिन मैं तो मूल वंश से, मूल कुल से जुड़ा हुआ हूं। करते रहना कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो, अनुलोम विलोम भी कर लो। कुछ कहते स्वामी जी आप कौन से खांचे में फिट होते हो, धर्म सत्ता में, राज सत्ता में, धन सत्ता में, या बौद्धिक सत्ता में, या वंश सत्ता में? मैंने कहा मैं सब में हूं। श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा, मैं सब में हूं और सब मुझ में है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनिवानुपश्यति, वेद में भी ऐसा ही कहा, ईशोपनिषद में, मैं सब में हूं, सब मुझ में है और सब में मेरा ही ईश्वर है, उसी का ईश्वर है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मयि न प्रणश्यति। लंबा लंबा श्वास लो, करो सब। और कल मैंने मूलाधार से सस्रार तक
कैसे एक एक योग की, यज्ञ की, आयुर्वेद की, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म की, षटकर्म की, ये मर्म चिकित्सा की ये प्रक्रियाएं मूलाधार से सस्रार तक तुम्हें दिव्यारोग से आपूरित कर देती है और तुम्हारे सारे रोगों को, सारे विकारों को, सारे अंधकार को योग की ज्योति मिटा देती है। हाँ, उसमें जो कल शेष रह गया था आज उसकी पूर्ति भी करेंगे। तो कुंडलिनी जागरण के लिए योग, अष्ट चक्रों की जागृति के लिए योग, पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित है। जैसे हम श्रद्धा से आपूरित होकर प्रथम चरण योग और अध्यात्म का श्रद्धा से प्रारंभ होता है, वो श्रद्धा ज्ञान युक्त हो, वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो प्रार्थना पुरुषार्थ युक्त हो, वो उसके पूरक तत्व है, लीड करेगी श्रद्धा। श्रद्धा ये अध्यात्म का सबसे बड़ा तत्व है और वो श्रद्धा के जो कुछ पूरक तत्व हैं। अब लोग ना आधी अधूरी बात करते हैं, मैं कभी भी अर्ध सत्य की बात नहीं करता, मैं कहता हूं सदा समग्रता में ही सत्य है। समग्रता, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, साइंटिफिक, जस्टिसफुल, यूनिवर्सल सत्य की मैं बात करता हूं, समग्र, संतुलित, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक, व्यवहारिक, न्यायपूर्ण सत्य की मैं बात करता हूं। ऐसा सत्य जिसमें समग्रता नहीं, जिसमें न्याय नहीं, जिसमें संतुलन नहीं, वो किसी भी क्षेत्र की बात हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रिसर्च हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, वो फैमिली हो, अनुलोम विलोम कर लो सर, अपना अपना अभ्यास पूरी शिद्दत के साथ कर। और योग के समय केवल योग ही करना, योग में पूरे खो जाना, योग में एक रूप, तन्मय तद्रूप हो जाना, ब्रह्म रूप हो जाए। एक क्षण तुम्हारे सब रोग, सब दुख, सब दर्द मिट जाते, एक क्षण में। इसको मैं बार बार कहता हूं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति मृगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहीनमे भक्तः प्रणश्यति यदंगदाशसि तुमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरा। एक क्षण में जीवन का रूपांतरण हो जाता है। एक क्षण, एक दिन तो बहुत बड़ा होता है, एक सप्ताह तो बहुत बड़ा होता है, एक महीना तो बहुत बड़ा होता है, दूसरा जन्म मिलता है तुम्हें योग से। बस पूरे भाव प्रभु, एक श्वास भरा कि भगवान के हो गए, अनुलोम विलोम पूरा करो। देखो ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं, जो भगवान के हो जाते हैं। एक महापुरुष थे, एक सन्यासी, स्वामी सोमानंद जी महाराज, हम गुरुकुल में जब पढ़ते थे, बालक थे तब उनके पास में जाते थे, वो बड़े प्रसन्न रहा करते थे, अत्यंत प्रसन्न, प्रसन्नता की, आनंद की, हैप्पीनेस की, इटर्नल हैप्पीनेस की पराकाष्ठ, अतिरेक, एक्सट्रीम लेवल पर प्रसन्न रहते थे। तो हम उनसे पूछते थे, आप इतने खुश कैसे रहते? बोले भाई, भगवान ने अपने हाथों में उठा लिया। पहले तो
मैं पुरुषार्थ करके उनकी प्रार्थना किया करता था, अब उसने अपनी शरण में ले लिया। जब भगवान हमें उभार लेते हैं, बस उसके लिए एक क्षण की श्रद्धा पर्याप्त है। माना चाहे जैसा हमारा अतीत रहा हो, मैं किसी बुरी चीज को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन धर्मात्मा के साथ तुम कितने अधर्मात्मा, कितने पापी और नीच भी रहे हो। अपिचेत सुदुराचार हो, बोले अव्वल दर्जे के भी तुम दुराचारी हो। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरे वसमंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। बस एक बार प्रभु की शरण गही लई, बस फिर उसके नीचे मत आना। फिर तो आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा दे, बस वही करना, वैसे ही जीना और उसकी शरण में। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक हैं, जितने विकारी पास हैं भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटी अरुत्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं, अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग में उस अज अनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके। योग के समय एक भगवान के सिवा और कोई चिंतन ही ना हो। माना कि तुम्हें लाख समस्या, कितने बड़े रोग हैं, विकार दुख है जीवन में, दारिद्र्य कितनी बड़ी चुनौती है, संकट है, संघर्ष है, मत कर। प्रभु से ही प्रार्थना करो, प्रभु तेरी ऐसे देखो, एकाग्र चित्त होकर के योग करना। ये तो मैंने थोड़ा सा शुरू में करवाया था व्यायाम, थोड़ा ओबेसिटी के लिए बताया था, इसको और करवाएंगे, अभी और करवाएंगे। लेकिन जो कुछ ज्यादा नहीं कर पाते ना, तो मात्र प्राणायाम ही कर लिया करो, ऐसे बस तरीका। कपाल भाव, अनुलोम विलोम, जिससे जितना बन पाए उतना करते करते। भस्त्रिका कपाल भाति, करते करते प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म और गगन से विशाल, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, प्रभु तुम तो बेमिसाल हो, तुम अप्रतिम, अनिर्वचनीय, अलौकिक, प्रभु आप ही सब कुछ। भस्त्रिका कपाल भाति, पूरे अंतर्मुखी होकर, एकाग्र चित्त होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के करना। और आज अभी इसी क्षण आप रोगों से ऊपर उठ करके आरोग्य में आरोह हो पाओ। एक क्षण लगता है निरोगी होने में, देखो उसकी बड़ी मात्रा पाने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्वांटिटी और पर मत जाना। योग में प्रवेश करते ही तुम्हारा आरोहण हो गया आरोग्य में, अब तुम रोगी हो ही नहीं। इसे मैं रोज बोलता हूं, रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग अध्यात्म ही हमारा स्वभाव। करो सब,
और एकाग्रचित होकर के करना, अंतर्मुखी होकर करना, श्रद्धा के अतिरिक्त से करना, भक्ति के प्रभु प्रीति के अतिरिक्त से, ज्ञान के प्रकाश के अतिरिक्त, और अपना पुरुषार्थ भी साथ साथ चल रहा है। प्रज्ञा प्रार्थना पुरुषार्थ का संगम है, ये त्रिवेणी संगम। पाप ऐसे इसलिए बोला कि तुम्हें याद रह जाए, उस परम पुरुष को पाने के लिए ये प्रज्ञा, ये प्रार्थना और ये पुरुषार्थ एक साथ चलेंगे, और करते करते प्रभु के साथ पूरी तरह से एकात्म हो जाते, और फिर उस भगवान की उस कृपा को अनुभव करते हैं, उससे अभिभूत हो जाते हैं, अभिषिक्त हो जाते हैं। कपालभाति करते रहे, प्रार्थना सुनते रहे, प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ चलेंगे, सब रोग सब दुख सब दारिद्र्य हटेगा, ये जीवन उत्सव बनेगा। ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से जब लंबे समय तक वस्त्री का कपार भाती और अनुलोम विलोम एक धुन के साथ, लगन के साथ, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भगवत शरणागति के साथ, देश के सन्यासी का ये अधिकार है कि सुबह किसी को ना सोने दे, उसका ये कर्तव्य भी है, और मैंने उस कर्तव्य को पूरा किया है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधताक्षरस्य धारान शीता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। करो जागो रे दिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं, अरे ओम नाम ध्यायो नहीं, जन्म कारत की कह नानक हरि भजमना यही विधि जग को। जो प्राणी ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कह नानका अपन तरे और न ले त उभार रे भाई। जागो रे दिन जागना, अब जागन की बार। संग सखा सब तज गई, कोई ननि भीओ साथ, कह नानक इस विपद में एक सहाय। लंबे लंबे श्वास 100 200 500 बार करना है, जिनको फिर रहना ना ऐसे, ये सुपर ऐसे ऐसे कर। 100 बार ऐसे कर लेना, सुन लिया है मोटे भाई? 100 बार से शुरू करके 1000 बार तक की तेरी यात्रा है। ये लंबे लंबे श्वास, तुमने बहुत तीर्थ किए हैं, बहुत धाम किए हैं, ये योग का महातीर्थ है, महाधाम है, महासाधन है, बहुत साधन किए, जप तप किए, भजन किए, कीर्तन किए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन कर लो। ये तो मोटे मोटे भाई बहनों के लिए बता रहा हूं, प्रोग्राम दे रहा हूं सबके लिए। अब लेट जाओ, थोड़ा थोड़ा तो सब कर लेना, एक एक पैर से, दोनों पैरों से, जो यहां से सिखाते हैं उसको जीवन शैली बना लेना, चाहे कितना ही बड़ा उत्तरदायित्व हो। प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा तो उत्तरदायित्व नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरा देश चला रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह योग करते हैं वो, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री। और इस समय तो पूरे देश में 90% नेता योग कर रहे हैं, और जो योग नहीं कर रहे उनकी दुर्गति हो रखी है। क्या हो रखे? जो योग नहीं कर रहे उन नेताओं की, और जो ये देश की नहीं पूरी दुनिया में, अरे ये जो पुतिन है ना, वो तो सुबह सुबह उठ करके
पसीना बहाता है, तैरता है, दौड़ता है जंगलों में से लेकर के बीच बीच में अपने वीडियो डालकर, और शेर के साथ भी लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है पट्टा, लंबे लंबे श्वास। पुतिन से लेकर के जो बाइडन से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति यदि लचर पचर चले तो अगले दिन लोग वहां से उखाड़ देते हैं, बोले भग तेरे 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 से चला तो जाता नहीं, देश कैसे चलाएगा। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति के जब भी आपको विजुअल मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तेजी से चलते हुए, दौड़ते हुए, ठकाठक ठकाठक ठकाठक। अब पूरी दुनिया में नेताओं में भी होड़ लगी है, प्लेन से ऊपर उतरेंगे नीचे उतरेंगे चाहे आपको 20 फीट का ही विजुअल दिखाई दे लेकिन दौड़ता हुआ विजुअल दिखाई देगा, ये दिखाना चाहते हैं हम फिट हैं। पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन, पूरी दुनिया के कॉर्पोरेट, सुन लो तुम, अब सबकी खबर मैं रखता हूं क्योंकि मैंने कहा मैं तो सबके साथ जुड़ा हूं और सब जगह मैं हूं और सब मुझ में। जिस कंपनी का सीईओ, जिस कंपनी का एमडी, जिस कंपनी का चेयरमैन बीमार होता है ना उस कंपनी के शेयर गिर जाते हैं, बोलो पता नहीं कब इसका पटाखा फूट जाए, और ये गिरा तो शेयर भी गिरेगा, उसका शेयर भी कोई नहीं खरीदते। ये एकदम सच्ची बात बता रहा हूं। जो आध्यात्मिक गुरु मरने को होता है तो बोले इसका इसका धर्म इतना लचर पचर है कि इसको ही नहीं बचा सकता, हमें क्या बचाएगा, बोले छोड़ो इस धर्म में कोई धोखा है। धर्म हो, अध्यात्म हो, राजनीति हो, और कोई लचर पचर युवक युवती से शादी करना चाहेगा, सबको ब्याह भी रचाना है तो बोले मैं तो ऐसे से ब्याह रचाऊंगी जो है एकदम घोड़े की तरह दौड़े, विश्व विजेता हो, लंबे लंबे श्वास, जो दुनिया में सबसे फिट हो, सबसे परफेक्ट हो, हेल्थ में, वेल्थ में, स्वास्थ्य में, सुंदरता में, सब तरह से दिव्य गुणों में जो आगे हो, मैं तो उसके साथ ही ब्याह रचाऊंगा रचाऊंगी। भाई घर हो, परिवार हो, संसार हो, व्यापार हो, प्यार हो, सबको क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए एक एक पैर से। तो भाई बिना स्वास्थ्य के संसार में कुछ भी नहीं है। लंबे लंबे श्वास, आदमी की हेल्थ, हेल्थ इज द फर्स्ट स्वाइस, स्वास्थ्य व्यक्ति की पहली प्राथमिकता है पूरी दुनिया में। एक एक पैर से, दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वास, मैं तो ऐसे सुपर फास्ट करता हूं ऐसे, यह पूरा चार से ठोक करके कर लो, फिर थोड़ा सा कंट्रोल भी करना, उपवास और उपासना भी कराते हैं, बड़ा शून्य बना रहे हैं। पूरी दुनिया अब मान रही है कि स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, हेल्थ इज एवरीथिंग। बिना स्वास्थ्य के सब कुछ है जीवन में, लेकिन स्वास्थ्य के रहते, इसलिए जब बात स्वास्थ्य की आती है तो पूरी दुनिया ठहर जाती है, पूरी दुनिया थर्राने लगती है, कांपने लगती है, सहम जाती है, पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है जब स्वास्थ्य पर बनती है कि भाई अब संकट है स्वास्थ्य का, गोल गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। तो भाई जिस घर परिवार में सुबह उठ करके योग होगा, ये 5 से 8 का टाइम ना जरा योग टाइम बना लो, बड़ा शून्य बना लो, एक नियम ले लो, व्रत ले लो, योग ग्राम से जाने के बाद, निरामयम से जाने के बाद, पतंजलि योग पीठ से जाने के बाद भी, मैं तो कहता हूं 99% तुम अपने घर पे रह करके ही अपना उपचार कर सकते हो। ये तो यहां जब शरीर में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती हैं, चारों तरफ से संकट घेर लेते हैं, हमने तो अपवाद रूप में यहां पर लोगों को बुला रखा है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से ठोक करके योग कर लो, ठोक करके, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, लंबा लंबा श्वास पूरा करो, लंबे लंबे श्वास भरो।
पूरा करो पूरा पाओ। योग करते रहो योग बनते रहो, योग करते रहो योग बनते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा। योग करते रहो योग बनते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो योग बनते रहो, जिनको ओबीसीडी है वो ये अभ्यास 100, 200, 500, 1000, 1000 बार कर लेना। और अब बारी है जिनको कमर में दर्द है, सर्वाइकल सोमराइट स्पिन है, स्लिप डिस्क है, विमर्कटासन, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन, कठिपतानासन, ये अभ्यास करेंगे। मोटापे वाले भाई बहन मोटापा कर लेंगे। जिनको डायबिटीज है वो उन्मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लेंगे लंबे लंबे श्वासों के साथ। करते रहो, रुकना नहीं, एक एक मिनट से कम शुरू करो, एक से दस मिनट एक आसन का समय है। लंबे लंबे श्वासों के साथ संकल्प पूर्वक थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, तन की शक्ति बने मन की मुक्ति बने, थोड़े आसन हो और प्राणायाम हो, थोड़े अभ्यास हो और व्यायाम हो, थोड़े अभ्यास हो और व्यायाम हो, तन की शक्ति बने मन की मुक्ति बने, तन की शक्ति बने मन की मुक्ति बने, फिर सफलता सितारा चमक जाएगा, रोग हट जाएंगे शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। संयम नियम का जो पालन करो, और अहिंसा द्विगुण दिव्य धारण करो, और अहिंसा द्विगुण दिव्य धारण करो, ऐसी क्रांति बने सच्ची शांति जगे, ऐसी क्रांति बने सच्ची शांति जगे, धीरे धीरे यह जीवन महक जाएगा, रोग हट जाएंगे शोक मिट जाएंगे, और खुशी का
खजाना चहक जाएगा। जिसको जो अभ्यास कर रहे हैं अपने अपने निर्धारित अभ्यास करना, ओबीसीटी के लिए योग, मेरुदंड के लिए योग, मधुमेह के लिए, सर्वरोग निवृत्ति के लिए इनक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, जिसके लिए जो अभिष्ट है, बार बार हम बताते हैं चार तरह का पैकेज, अपने लिए जो उपयुक्त है उसका वर्ण करके चयन करके अपना अभ्यास करो। जिनको कमर में दर्द है सिर नहीं उठाना, शेष सिर उठा करके भी 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करना। जिनको डायबिटीज है, लीवर किडनी की, पेनक्रियाज की, फर्टिलिटी की कोई भी समस्या है, वे पवन मुक्तासन से लेकर के हलासन तक करो। विनाशी है तू, है चेतन अमल और सुख राशि है। अंश ईश्वर का तू जीव अविनाशी है, तू है चेतन अमल और सुख राशि है। सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू, सबसे न्यारा है तू, सबसे प्यारा है तू। ज्ञान बिंदु सहज ही धमक जाएगा, ज्ञान बिंदु सहज ही धमक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग करते रहो, योग्य बनते रहो। धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे, और खुशी का खजाना चहक जाएगा। उत्तान पाद आसन, नौकासन, एक एक मिनट, दो दो मिनट करो, रुकना नहीं, जिससे जितना बन पाए। प्रारंभ में तो 20-30 सेकंड ही कर पाते। ओबीसीटी वाले ओबीसीटी के लिए करना है, कमर दर्द वाले अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंधासन, कटान आसन ही करना, शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पाद आसन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन की जो पूरी यात्रा उसको पूरा कर। भाव श्रद्धा का पूरा छलक जाएगा।
योग्य करते रहो, योग्य बनते रहो, धीरे धीरे अंधेरा सिमट जाएगा, रोग हट जाएंगे, शोक मिट जाएंगे और खुशी का खजाना चहक जाएगा। योग करते रहो, योग्य बनते रहो, योग बनते रहो, योग बनते रहो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, जिससे जो बन पाए, ना बन पाए सर्वांगासन, ना लग पाए कोई बात नहीं, सर्वांगासन हलासन नहीं हो पा रहे तो पवन मुक्तासन कर लो, उत्तान पादासन कर लो, अर्ध हलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अपने अपने अभ्यास पूरे करो। थक जाओ तो थोड़ा शवासन कर लो, एक अनुष्ठान की तरह योग करो। पूरी एकाग्रता से अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसे पूरा करना है योग। मूलाधार से सहस्रार तक तुम्हारे अष्ट चक्रों में जो विकार हैं उनको मिटा देती है। बात छोटी सी है लेकिन परिणाम बहुत बड़ा है। भुजंगासन, ज्यादा कमर में दर्द हो तो तिर्यक भुजंगासन भी कर लेना। कंधे के ऊपर से देखना पीछे, विपरीत दिशा के पैर के सलभासन, लंबा गहरा श्वास भर के सीधा पैर उठाना, कोशिश करना एक एक पैर से ही कर लेना। थोड़ा रोका करो, ज्यादा जल्दबाज मत बनो। ऐसे भी करो जिससे जितना बन जाए, खाली पकड़ के रख लो, खींचा भी नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, ऐसे पकड़ के रख लो, खींचा, इससे भी पूरी स्ट्रेचिंग होती है। थक गए तो थोड़ा मकरासन कर लिया, एड़िया अंदर, पंजे बाहर, हथेली पर हथेली, उस पर माथा, और श्वासों की गति सहज। बाई करवट लेके बैठ जाइए, अब बैठ करके आसन करने, जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन कर लो। देखो एक तो ऐसे बैठ करके ऐसे उठना धीरे धीरे, ये जिनको ज्यादा कमर में दर्द है उनके लिए दर्द। ऐसे भी कर सकते, थोड़ी देर रुकिए इस स्थिति।